गीता अ 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। 64 लाख शेष हो गए थे परमेश्वर कबीर जी के, जब वो परमात्मा बनारस में रहते थे एक दानक रूप में। 64 लाख शेष जिनको इतने सुख दे दिए थे वो सोच भी नहीं सकते थे। इस मालिक की कृपा से उनको नाम जाप से इतना लाभ हुआ था। और फिर परमात्मा ने एक परीक्षा की थी कि भगवान को कैसे पहचाना इन्होंने, केवल सुखों से ही वो भगवान मान रहे हैं या कुछ मेरे से परिचित भी हैं। तो सभी भाग गए थे हम छोड़कर भगवान को, वो सुनाएंगे कथा अभी समय आने पर। वो परमेश्वर गरीबदास साहेब जी को मिले थे, उस अच्छी आत्मा को। और फिर वो 10 वर्ष के थे उस समय, गरीबदास साहेब जी किसान परिवार में जन्म था, जाट परिवार में गरीबदास जी का। 10 वर्ष के बालक अपने ही खेतों में गौवें चरा रहे थे, वहाँ ग्वाले बनकर गए हुए थे। वहाँ से परमात्मा उनकी आत्मा को सचखंड लेकर गए थे। वो बच्चा मृत हो गया था, शरीर उसका निढाल हो गए थे। गांव वाले गांव में ले आए थे उसको, अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे थे। 5-6 घंटे लग गए थे इस प्रोसेस में। परमात्मा उस आत्मा को ऊपर लेकर गए, गरीबदास जी की आत्मा को ब्रह्मा का लोक दिखा, विष्णु का लोक, शिव जी का लोक, धर्मराज का लोक, फिर सब दुर्गा का लोक, ब्रह्म लोक, और ये जहाँ ये काल 1 लाख जीवों को खाता है वो स्थान दिखाया। फिर सचखंड में लेकर गए, वहाँ परमात्मा ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। फिर उस गरीबदास साहेब जी ने उस परमात्मा की महिमा का एफिडेविट दिया, अमृतवाणी में वो बोला। परमात्मा ने वो ज्ञान फीड कर दिया गरीबदास जी की अंतकरण में। अब जैसा कि आपने सुना कि उस परमेश्वर ने कैसे कैसे चमत्कार करके दिखाए जो भगवान किया करते हैं, लेकिन हम फिर भी उनको परमात्मा नहीं मान सके, नहीं उनको परमात्मा स्वीकार किया, जिस कारण से हम भटक रहे हैं। वो परमात्मा यहाँ ज्ञान देने के उद्देश्य से आते हैं। और वो क्या बताते हैं कि तुम हिंदू और मुसलमान दो नहीं हो, सिख और ईसाई ये भिन्न नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो, आप मुझे पाने के लिए ही विभाजित हो चुके हो। आज मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूँ, मैं तुम्हारा भगवान हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, मैं तुम्हारा पिता हूँ, लेकिन इन काल के दूतों के द्वारा हम इतने भ्रमित कर दिए जाते हैं, हम परमात्मा को साक्षात खड़े को भी नहीं पहचान पाते, हम इतने अबोध बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं भगवान कबीर परमेश्वर जी, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ ना सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कहे कबीर ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। तुम हीरे और मोती लाल हो उस परमात्मा के पुण्यात्मा, आप जी को ढूंढ रहे हैं परमेश्वर। अब जैसे ये ज्ञान गंगा नामक पुस्तक आप तक पहुंचाई परमात्मा ने, और आप उसको पढ़कर आप खींचे आ रहे हो, क्योंकि ये दास जो है उस कबीर परमात्मा का एक समझो जैसे कबाड़िए होते हैं ना, कबाड़िए, और वो अपने दिहाड़ी पर नौकर छोड़ देते हैं कि भी ये ले जाओ चुंबक। वो क्या करते हैं, लोहे को लाकर कबाड़ी को देते हैं, कबाड़िया उनको तोल कर उसके हिसाब से उनका वेट रेट दे देता है, उनको मजदूरी। तो वो क्या करते हैं कि चुंबक भी साथ रखते हैं, और उस चुंबक को धागे से बांध कर ऐसे ज़मीन पर लटकाते घिसड़ाते चलते हैं, जो लोहे के कण होते हैं उसको चिपक जाते हैं, और वो उतार के उनको अपनी झोली में डाल लेते हैं। और
जो कंकर पत्थर है वो पड़े रह जाते हैं, फिर उन लोहे के कणों को जो कि मिट्टी में जर रहे थे, खत्म हो रहे थे, उनका अस्तित्व नष्ट हो जाना था, वो वापस आगे कहाँ, फिर कारीगर के पास, उसको फिर उन्होंने नए सिरे से उसका कोई नया औजार, कोई चम्मच बना दी, कोई फिर है कितना अच्छा औजार बन गया, यानी उनका सदुपयोग हो गया। तो आप जी इस संसार रूपी कंकर, उनमें लोहे के कण थे, स्टील के कण थे, आप परमात्मा के हंस थे, और इस परमात्मा ने ये चुंबक फेंक दिया सब जगह, और आप उसके चिपक कर आ रहे हो, अरे बाप का नया जीवन शुरू हो जाएगा। तो गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा से परिचित होने के उपरांत प्रभु की महिमा का एक कलम तोड़ विवरण किया है। कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं कि वो किस प्रकार हमें समझाया करते थे, हिंदू और मुसलमानों को समझाया करते थे कि तुम साधनाएं गलत कर रहे हो। अब परमात्मा काजी मुल्ला जो मुसलमान धर्म को भ्रमित किए हुए हैं उनको कहा करते थे, और उधर से पंडित ब्राह्मणों को, पांडवों को, और ये नकली मंडलेश्वरों को कहा करते थे कि तुम साधना गलत बता रहे हो, तुम भी परिचित नहीं हो, इन भोली आत्माओं को गुमराह करके काल के जाल में फंसाए बैठे हो। तो सच्चाई कहने से परमात्मा के कबीर जी के वो सभी शत्रु बन गए थे, कौन, मुल्ला और काजी, और पंडित, और वो उस टाइम के गुरुवर हिंदू धर्म के। परमात्मा क्या कहा करते थे, काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीब दास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत, सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदाए, गरीब दास किस हुक्म से तुमने ये पकड़ पछाड़ी गाय। अपनात्माओं, परमात्मा कबीर जी मुसलमान काजियों को कहा करते थे कि तुमने किसके आदेश से ये गायें मार दी, मांस खाने का आदेश कौन सी किताब में लिखा है। जैसे आप जी को कल रात्रि के समय रूबरू कराया था पवित्र बाइबल से, उत्पत्ति ग्रंथ में, उत्पत्ति ग्रंथ के और अध्याय नंबर 1 के श्लोक नंबर 26 और 27 में स्पष्ट किया, 28 में, कि परमात्मा ने कहा मनुष्य को मैं अपने जैसा अपने स्वरूप में बनाऊंगा, और ऐसा ही परमात्मा ने अपने जैसा मनुष्य को रचना कर दी, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति कर दी। फिर उनको आदेश दिया कि तुमने मांस नहीं खाना, केवल पृथ्वी के ऊपर जितने भी बीज वाले पौधे और फलदार वृक्ष हैं ये फल ये तुम खा सकते हो, किसी को मांस खाने का आदेश नहीं है परमात्मा का। और पुण्यात्मा गरीबदास जी साहब कह रहे हैं कि कबीर साहब ऐसे कहा करते थे, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया। के नबी मोहम्मद आदरणीय हैं, नमस्कार है उनको, वो तो अल्लाह के रसूल बनकर आए थे, उन्होंने ये जुल्म नहीं किए। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, और हजरत मोहम्मद जी के उस समय 180,000 अनुयायी बने थे। कहते हैं 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया, कसम है उन महापुरुषों की कि उन्होंने ऐसा जुल्म नहीं किया जो तुम करवा रहे हो और कर रहे हो। अपने आत्माओं, मुसलमान धर्म को लगभग 1400 वर्ष हो गए, इसमें तो बुराई घर कर जाना कोई बड़ी बात नहीं। जैसे ये सिख धर्म है ये तो ज्यादा से ज्यादा 500 वर्ष पुराना है, और गुरु ग्रंथ साहिब आपके पास उपलब्ध है, उसमें पढ़ के देख लो, जो कहीं भी मांस खाना और शराब पीना लिखा हो, और ये कवावे सिख और बड्डे बकरे और पीवे दारू, अब से पहले इतनी बुराई करगी इस पवित्र धर्म के अंदर,
तो वो तो 1400 वर्ष पुराना हो गया। और यदि ये इस बुराई का अंत नहीं हुआ और 800 वर्ष के बाद सिख धर्म के आने वाले उस ग्रुप में ये कहने लग जाएंगे हमारे गुरु जी भी ऐसे खांदे पींदे सी, ये उनकी अपनी भूल है, वो महापुरुषों ने कभी छुआ तक नहीं था। तो यहां क्या बताते हैं, नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया, 180 को सौगंध जिन नहीं कर चलाया। फिर क्या बताते हैं, अरस कुरस पर अलह तकत है, ओए होए, अरस कुरस पर, अरस माने आसमान के, कुरस माने अंतिम छोर पर, अरस कुरस पर अलह तकत है और खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। ओए होए, क्या बताते हैं कि उस परमेश्वर का, कबीर भगवान का, अल्लाहु अकबर का, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अधर दुलीचे पड़े गुरुवन के, यानी अधर माने ऊपर, दलीचा माने वो बैठन का था स्थान, उसको हम सिंहासन भी कह देते हैं, तकत भी कह देते हैं। तो कहते हैं अरस कुरस पर अल्लाह तकत है और खालिक माने परमात्मा के बिना कण भी खाली नहीं है, यानी उसकी दृष्टि से कोई जीव बाहर नहीं है। और वो पैगंबर पाक पुरुष थे जो 180,000 हजरत मोहम्मद पैगंबर जी के अनुयायी हुए और अन्य जितने भी ईसा जी मूसा जी जितने महापुरुष हुए, कहते वो तो पवित्र आत्माएं थी, वैसा जुल्म नहीं करते थे जैसा तुम कर और करवा रहे हो। अरस कुरस पर अल्लाह तक है खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब उसी दृष्टिकोण से कह रहे हैं कि तुम कौन सी किताब में लिखा दो तुम ये जुल्म कर रहे हो, क्योंकि परमात्मा ने जो आदेश देना था पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में, 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन वो जो कहना था सुनना था आदेश देना था विधान बताना था वो बताकर चले गए। उसके बाद अब ये कुरान शरीफ के अंदर आप पढ़िएगा, लगभग 60% विवरण पवित्र बाइबल वाला है और ये आदम जी को अपना आदि पुरुष मानते हैं दोनों धर्म, ईसाई और मुसलमान धर्म के अनुयायी। तो बाबा आदम जो है और उसी का विवरण है वहां पर पवित्र बाइबल में, और परमात्मा ने जो आदेश दिया था कि कुछ किसी ने मांस नहीं खाना, ये आहार है तुम्हारा, बीजदार पौधे जैसे गेहूं चना ज्वार बाजरा ये जो कुछ भी है, और बाकी काजू किशमिश सेब संतरे ऐसे मोहन मेवा दे रखी भगवान ने, फिर अड़ंगा खावे। तो वहां उसके बाद जैसे पवित्र बाइबल में आपको आगे पढ़ने को मिलेगा उसमें क्या लिखा है कि ऐसे खुरों वालों का मांस नहीं खाना, ऐसे पशुओं का मांस खाना, ऐसों का नहीं खाना। ये उनका किसका विधान है, ये भगवान का नहीं है, ये किसी फरिश्ते ने या किसी अन्य देव ने या किसी महात्मा पुरुष ने अपनी सोच उसमें लिख दी, वो मालिक का आदेश नहीं है। और यदि उस परमात्मा के विधान को ना मानकर हम किसी अन्य देव या फरिश्ते का आदेश पालन करते हैं तो भगवान के विधान को हम तोड़ रहे हैं। जैसे एक थानेदार से मित्रता थी किसी व्यक्ति की, उसने अपने थानेदार मित्र से कहा कि मेरा गवांडी मेरा पड़ोसी मुझे बहुत परेशान करता है और मैंने सब तरह से उससे प्रार्थना कर ली, मान नहीं रहा, कोई यत्न करो। अब उस दरोगा जी ने कह दिया अपने मित्र से कि मार उसका लठ माफ देख लूंगा। अब मित्र का आदेश पाके उस व्यक्ति ने, दरोगा का आदेश पाके अधिकारी का, अपने पड़ोसी के साथ झगड़ा ठान लिया और उसके सिर में लठ मारा, वो मारते मर गया। अब राजा का विधान था कि कोई किसी की मृत्यु हत्या करेगा तो उसको सजाए मौत मिलेगी। अब उस नालायक ने एक अधिकारी की आज्ञा का पालन करके राजा का विधान भंग कर दिया, जिस कारण से उसको सजाए मौत होगी, उसकी भी फांसी लगी।
तो पुण्यात्माओं, परमात्मा का आदेश विधान है कि मांस नहीं खाना मनुष्यों के लिए, फलदार वृक्ष और बीजदार पौधे, नथिंग एल्स। और फिर आगे चल के किसी फरिश्ते ने, जैसे आपने देखा ये पवित्र बाइबल में ऐसा प्रमाण है कि कोई फरिश्ते आकर के किसी में बोलते हैं ऐसे ऐसे बकरा भेंट चढ़ा दो, जैसे आपने देखा होगा हिंदू धर्म में को भूत बोला किसी में, मैं भैरव हूँ बकरा चढ़ाओ दारू पीऊंगा। अब बेटी के बाप तू बड़ा हलवा खा ले, फिर वो डरते उसको बकरा भी कट बनावे और उस नवकमे ताई शराब भी पिलावे और फिर भी वो दमस्तार है वो, क्योंकि सतभक्ति और भगवान की दया बिना ये आपत्ति टलया नहीं करती, दूने पाप बढ़वावे है तो वो आदेश यदि पवित्र बाइबल में ऐसा है कहीं लिखा है तो परमात्मा का आदेश आदेश नहीं, किसी थानेदार का आदेश है और उसका पालन करने से आप दोषी हो गए, आपको सजा मिलेगी, ये छूना भी नहीं। सुन काजी राजी नहीं आप अलह खुदा, गरीब दास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। अब कबीर साहब की महिमा को गरीब दास जी सुना रहे हैं और बता रहे हैं कबीर साहब की और उन काजियों की वार्ता। परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं कि एक काजी तेने किसके आदेश से गाय मार दी, कत्ल कर दिया इसका, और फिर बताते हैं ये गऊ क्या है। गऊ हमारी मात है, पीवत जिसका दूध है, गरीब दास का जी कुटल तन कत्ल किया औजूदे। अब जिसका हम दूध पीते हैं उसको माँ की दृष्टि से देखते हैं। पहले गायें ही होती थी अपने भारतवर्ष में, भैंस नहीं थी। अब गौ भी माता है और भैंस का दूध पीवांगे तो भैंस भी माता है, और बकरी का दूध पियोगे तो बकरी भी माता है, यानी आदरणीय है वो। फिर उनका मांस खावे तो क्या कहते हैं, गौ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीब दास का जी ही कुटिल तन कत्ल किया औजूदे। गौ आपनी अम्मा है, तापर छुरी नबा, गरीब दास घी दूध को ये सब ही आत्म खावे। अब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी कितनी यानी हमारे हित की बात कहा करते थे, लेकिन वो स्वार्थी व्यक्ति परमात्मा के शत्रु बनते चले गए। कि गऊ आपनी अम्मा है, इस पर छुरी नबा, और कबीर साहब कहते हैं कि गरीब दास इस घी दूध को सब ही आत्म खा, यानी गऊ ना तो हिंदू को बना करती दूध पीणते ना मुसलमान को, और कहते फिर इसका मांस खाते हो। अब एक गाय लगभग 6-7 बार बच्चा देती है और लगभग 10 वर्ष तक या 8-7 वर्ष तक वो दूध पिलाती है आपको, आप उसका दूध पियो और मांस तो एक बार खा के तुमने फारिग कर दिया और पाप के बागी बन गए, आपका भी पेट भरा, आपके बच्चों का भी पेट भरा, और बिना ज्ञान के तुम पाप के भागी होते हो, गऊ का मांस खाते हो काजियो, ये तुम्हारा प्रोसीजर अच्छा नहीं है, तुम गलत कर रहे हो, भगवान के दोषी बन और बना रहे हो। अब क्या बताते हैं, ऐसा खाना खाइए माता के नहीं पीड़े, गरीब दास दर गए सर तेरे गल में पड़े जंजीरी, काजी पटक कुराने को उठ गए सर पीटे, गरीब दास जो ला कही ये बानी अकल अधीठ। अब जैसे ज्ञान चर्चा होती थी परमात्मा उनको ये नसीहत दिया करते थे, उनको शिक्षा दिया करते थे, तुम ऐसा मत करो तुम पाप के भागी हो रहे हो, कहते हैं वह काजी और मुल्ला उनके साथ इतना, क्योंकि वहां बैठे उपस्थित लोग तो इस बात से सहमत होते थे कि कबीर जी ठीक कह रहे हैं, और उनकी मिट्टी पलीत हुई थी तो कहते वहीं पर कुरान शरीफ भी छोड़ गए और चले गए, कहने लगे हम राजा को शिकायत करेंगे इसकी, वो निकम्मा आदमी है। और क्या बोले, जुल्हा दीन बिगाड़िया काजी आए फेरे, गरीब दास मुल्ला मुरुग अपनी अपनी भेरे। अब काजी मुल्ला उठ कर चले गए, गोष्ठी हो रही थी, सैकड़ों की संख्या भगत मुसलमान और हिंदू उपस्थित थे,
तो काजी मुल्ला उठ के चले गए, उनको फिर लाए पकड़ के कि जाओ ना बैठो, चर्चा तो करो। फिर बैठ गए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, मुर्गे से मुल्ला बनो तुम मुल्ला फिर मुर्ग, गरीब दास दो जग धसोगे तुमने पावे नहीं सुरग। अब क्या बताते थे कि परमात्मा का विधान है, आज मुर्गे को तुम काट रहे हो, बकरी गाय को काट रहे हो, अगले दिन में काजी तू तो मुर्गा होगा मुर्गा, और मुर्गा बनेगा काजी, ये तेरी गर्दन काटेगा, ये तुम्हारा टेट फॉर टेट सदा बना रहेगा। तो ऐसा जुर्म ना करके तेरे को आगे फिर ये मुर्गा बनकर शीश देना पड़ेगा इसको। फिर क्या बताते हैं, काजी कलमा पढ़त हो और बाँचो फिर कुरान, है गरीब दास इस जुल्म से तेरे डूबे दोहू दी जिहान। कि एक तरफ तो तुम कलमा पढ़ते हो, जैसे मंत्र होता है ना अपना मंगलाचरण हम पढ़ते हैं, और गायत्री मंत्र यजुर्वेद के 36वें अध्याय का 3रा श्लोक है, उसको मंत्र को पढ़ा करते थे, तो वो तो कहते तुम पवित्र वाणी कलमा तो पढ़ रहे हो भगवान की महिमा का, और उधर से गाय काट रहे हो। अरे तेरा गजब, वो यज्ञ बात तो इधर से तुम भक्ति कर रहे हो और वो जुल्म कर रहे साथ की साथ। काजी कलमा पढ़त हो तुम और बाचो फिर कुरान, इसे पवित्र ग्रंथ को भी पढ़ते हो और फिर तुम गाय बकरे मुर्गे काटते हो, गरीब दास इस जुल्म से थरे डूबे दो जिहान, यानी दोनों स्थान बिगड़ जाएंगे, ना तुम यहाँ के रहोगे ना तुम स्वर्ग जा सकते, यहाँ भी तुम इब्रान माटी यानी पाप के भागी होगे। अब परमात्मा दोनों धर्मों को कहा करते थे, यानी काजी और मुल्ला और पंडितों को, दोनों दीन दया करो मानो वचन हमारे, गरीब दास गौ सूर में एक बोलन हारे। ओए ओए। अब देख कितने विनम्रता से बोल रहे हैं कबीर परमेश्वर के, दोनों धर्म दया करो और मानो वचन हमार। और कबीर साहब कहते हैं, और सूर और गौ में एक सा ही जीव है। फिर क्या बताते हैं, सूर गऊ में एक है गाय भखो न सूर, गरीब दास सूर गऊ का दोहों का एक नूर, मुल्ला से पंडित भय पंडित से भय मुल्ले, गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ले। अब क्या बताते हैं कि हिंदू वाले पंडित तनों के मुल्ला काजी और ये मुसलमान काफिर हैं, और मुसलमानों के काजी और मुसलमान कहते हिंदू काफिर हैं। अब कबीर साहब कहते हैं, देखो आज तुम पंडित हो हिंदू धर्म में, और कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप मुसलमान धर्म में जन्म ले सकते हो और फिर आप काजी भी बन सकते हो, और काजी आज मुसलमान धर्म में है तो कल वो हिंदू धर्म में जन्म लेकर वो पंडित भी बन सकता है। तुम आपस में ये झगड़े झगड़े छोड़ कर सुल्लम सुल अपना कंप्रोमाइज कर लो, मुल्ला से पंडित भवे और पंडित से भव मुल्ल, गरीब दास तज बैर भाव तुम कर लो सुल्लम सुल्ल, हिंदू झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीब दास दो दीन का थरा होगा हाल बेहाल। अब देखो कितनी अपनी अपनी चतुरता दिखा रहे हैं हिंदू के, पंडित भी भेंट चढ़वाते हैं, माताओं को बदनाम करते हैं कि काली तो झोटे मांगे, काली माई और फलानी माई बकरे खाती है, वो माई फिर मुर्गा खाती है, खावा बेटी के बाप ये जीभ के चठोरे। तो कहते हैं कि ये क्या बताते हैं कि वो चतुर गुरु हिंदुओं के, कि हम तो पशु को जैसे बलि चढ़ाते हैं एकदम झटके से मार देते हैं, उसको पीड़ा नहीं होती है, उसको महसूस नहीं होता दर्द, तब बलि चढ़ाते हैं, हम पाप नहीं करते। और मुसलमान क्या कहते हैं, हम तो कलमा पढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे हलाल करते हैं, कहीं उसको पीड़ा ना हो जाए। मूर्ख बना रहे, ला तेरी गर्दन काटे बकरे कटवा लो, हिंदू कटवाओ ऐसे, और मुसलमान नहीं काटेंगे ऐसे, धीरे धीरे कलदा पट जाएगा तुम्हारा। तो क्या कहते हैं परमात्मा, पुण्यात्माओं जैसे वाजिद जी जैसे महापुरुष ने राज त्याग दिया परमात्मा पाने के लिए, और शेख फरीद जैसे मुसलमान महापुरुष ने अपना तनमन वार दिया परमात्मा पाने के लिए,
कुएं में लटक गए, वापस ऊपर पैर बांध के वृक्ष के, और 12 वर्ष तक साधना करते रहे, सूख गया पिंजर भी, शरीर पर मांस नहीं रहा, अस्थि पिंजर नजर आने लगा। जब कौवे आ गए उसकी आंख खाने के लिए और शरीर पर कोई खाने की वस्तु नजर नहीं आई उन्होंने, और सोच लिया कि ये व्यक्ति मर गया है। तब शेख फरीद ने कहा था कि हे भाई कव्यो, वो मुसलमान था, मुसलमान मांस छू है नहीं, मुसलमान वो है जो मांस को हाथ भी नहीं लगावे। शेख फरीद ने कहा था कव्यो मेरी आंखें मत खाना, मुझे अल्लाह के दीदार की आशा है, मेरे शरीर पर कहीं पर भी तुम्हें मांस शेष दिखाई देता वो मांस खा लो मेरा, पर मेरी आंखें ना छेड़ना, मुझे भगवान के दर्शन की इच्छा है। तो पुण्यात्मा वो थे मुसलमान जिन्होंने कभी मांस छुआ नहीं और अपनी अपने कुर्बानी कर दी कि मेरा तो तुम सब कुछ खा लो पर मुझे मालिक मिल जाए, मेरी वो व्यवस्था ना खराब करना। और यदि जो प्रोसीजर तुमने अपना रखा है हलाल करके कलमा पढ़कर और ऊपर मस्जिद में जाकर आवाज़ लगाता है मुल्ला या काजी कि हे अल्लाह ये रूह बकरे की आत्मा को विष्ट में स्थान दीजिए, अब परमात्मा कहा करते कबीर जी जय या रू तें भिष्ट पठाई तो कर तदबीर कबीला भाई। कबीर परमात्मा उन काजी और मुल्ला को कहा करते थे यदि तू अपने इस प्रोसीजर को, इस वे ऑफ वर्शिप को स्वर्ग जाने की मानता है, तुझे कॉन्फिडेंस है, तो अपने परिवार को भेज, उसको कर हलाल सबको, और आदेश दे भगवान को कि इसको स्वर्ग में रखना, मेरे परिवार आ रहा है। यदि कोई मंत्री बन जा और उसको कहीं प्लाट अलॉट करने का आदेश आ जाए ना, वो बकरियां का नंबर ना दे, अपने बड़का का, अपने रिश्तेदारों का, अपनी पत्नी का, बहन का, भाई का, सबसे पहले उनका फार्म भरेगा, बकरियां का कौन नंबर आने दे। तो कहने का भाव ये है कि यदि तुमको ये पर पूरा विश्वास है कि ये बकरियां इस प्रकार बकरे के हलाल करने मात्र से और ये कलमा पढ़ देने से ये स्वर्ग चला जाता है, तो बकरियां का नंबर कोई नहीं आन दे। तो परमात्मा की इन खरी खरी बातों से, सच्चाई से वो सारे चंगर गए, क्योंकि राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने और मान बढ़ाई ईर्षा, ये दुर्लभ तजना ये, और ये तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। इंदु झटके मारे ही ये मुस्लिम करें हलाले, गरीब दास दोनों दीन का थारा होगा हाल बेहाल। वहां देखियो थारा के बक्कल उतरेगा। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधारा सूरे, गरीब दास उस भिस्त में तुमसे अल्लाह दूरे। भगवान तो निकट भी ना हो थारे, इसे नाला कहाँ गए। रब की रू मारते और खाते मोरे मोरे, गरीब दास उस नरक में नहीं खुन्नी को ठोरे। घोड़े ऊंट अटक नहीं ये तीतर क्या खरगोशे, गरीब दास इसे कुकर्मी से अल्लाह है सो कोसे। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर कर दिन राते, गरीब दास हक बोलता और मारे जीव अनाथे। एक तरफ से कहता है मैं हक यानी सही कर रहा हूं और मारे इन अनाथ जीवों को तुम मार रहा है, और कह रहा है मैं ठीक कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, अच्छा कर रहा हूं। सुन काजी कलिया किया ये जाड़ सुआद रे जंद, गरीब दास दरगाह में तेरे गल में पड़ेगा फंदे। अब क्या बताते हैं कि कैसा खाना खाओ, बासमती चावल पके, बासमती चावल पका और गर्त खांड टुक डारे, गरीब दास करो भक्ति ही ये कूड़े काम निवार। अब खाने का क्या बताते हैं कि बासमती तो चावल बनाओ और उसमें खांड और घी देसी डाल कर खाओ और भक्ति करो, ये बकवाद छोड़ दो। बासमती चावल पका गर्त खांड टुक डारे, गरीब दास करो बंदगी ये कूड़े काम निवार। फिर क्या बताते हैं, फुलका धोवा दाल कर अलवा रोटी खाए, गरीब दास का जी सुन ये मिट्टी मांस ना पकाए। कहते हैं भाई
फुलके और दाल बढ़िया बना के खा, अपनी मूंग की और अलवा रोटी बना ले, जो ज्यादा द्रव्य हो तो अच्छा है। तो गरीब दास काजी सुन, ये मिट्टी मांस ना पका, रोजे रखें और खून करें फिर तस्बीले हाथ, गरीब दास दर गए सरेतन बहुत करी है घात। कबीर साहब कहा करते, दिन में तो तुम रोजे रखो, व्रत रखते हो भगवान के लिए, और शाम ने वो कर्म बिगाड़ दिया, मुर्गा मार दिया, बकरा काट दिया, है तेरा कैसे भैया। उनका जी खलस उठाए दे तज रोजे की रीत, गरीब दास अल्लाह बजो ये समय जावेगा बीत। काजी राजी क्यों हुआ जो हती अलह की रूह, गरीब दास छोटे नहीं ये लेखा दूबर दू। अब इस प्रकार के विचार परमात्मा उनके हित में ही दिया करते थे काजी मुल्ला और पंडितों को, लेकिन परमात्मा की वाणी है कि कहें साची माने बुरी यही परीक्षा नीच, के उनके भले की कहें, कहें भली वो मानना बुरी यही परीक्षा नीच। अब परमात्मा के तो हिंदू भी उसी के बच्चे हैं और मुसलमान भी उसी की आत्मा है। अब वो तो उनको पता है परमेश्वर को कि ये काल के द्वारा प्रेरित हैं और काल चाहता है इनके इतने कर्म बिगड़वा दूँ, इनको फिर नरक में ठोक दूँ, गणे जनते इनकी आंखें ना खुलें, या फिर गधे कुत्ते बना कर छोड़ दूँ, कहीं इनको परमात्मा का पता ना लग जा, सच्चाई का ज्ञान ना हो जा। अब काल प्रेरणा से काजी और मुल्ला चिंगर गए, बिगड़ गए और बहुत बड़ा बुरा माना, भगवान के साथ बहुत बदतमीजियां की। अंत में क्या हुआ, एक बार सिकंदर लोधी चला गया काशी में, क्योंकि वो सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह था और वहां काशी का जो नरेश था, राजा था, वो वीर देव सिंह बघेल था, बघेला। वीर सिंह बघेला कबीर परमेश्वर जी की शक्ति और ज्ञान से परिचित होकर के, उनकी महिमा से परिचित होकर के उनका शिष्य हो गया था। अब वो पंडित और काजी इसलिए वो शांत थे, वहां चुप बैठे रहते थे कबीर जी के साथ, तो खसते रहते थे, लेकिन राजा के पास नहीं जाते थे शिकायत करने कि वो तो इनका शिष्य है। एक बार सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह, उसके अंतर्गत सभी छोटे नरेश आते थे, वो पहुंच गया काशी में और लग गया दाव इन नकलियों का। अब वो काजी और मुल्ला हजारों की संख्या में इकट्ठे होकर पहुंच गए राजा सिकंदर लोधी के पास। सिकंदर लोधी ने कारण पूछा कि आज कैसे इतने समूह इकट्ठा होकर आया है, क्या आपत्ति है आपको, बताइए। उन्होंने क्या बताया, होए होए, उन्होंने क्या बताया कि एक हिंदू कबीर नाम का है और उसने हमारे इन मुसलमान धर्म की बेइज्जती कर दी। वो कहता है कि मांस मिट्टी मत खाओ और हमारे मुसलमान धर्म की क्रियाओं को गलत बताता है और अपने आप को भगवान बताता है, नमक मेरे चोर लगाए दी। तो सिकंदर लोधी ने कहा कि लाओ पकड़ के। न्यू आदेश पाते ही एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 10 सिपाही पहुंचे, लाए पकड़ कर परमात्मा ने। अपुणात्मा वहां हजारों की संख्या में हिंदू मुसलमान दर्शक बैठे, राजा बैठा। राजा ने कहा कि तू कौन है, तू अपने आप को भगवान बताता है, यदि तू अल्लाह का रसूल है तो तेरी परीक्षा लेते हैं। एक गऊ मंगाती, क्योंकि परमात्मा कह रहे थे गऊ मत मारो पाप होगा, तो ये तो उल्टे पड़े फिर बूंड की तरह। तो गऊआ मंगाई और कहा कि इसको हम कत्ल करते हैं तेरे सामने और तू जीवित कर देना कबीर, अगर तू अल्लाह है या उसका रसूल है। हमारे अल्लाह हजरत मोहम्मद ने गाय को मार कर जीवित कर दिया था। अब हजरत मोहम्मद जी ने गाय को कैसे मारा था, उसने वचन से मारा था, शब्द से, अपने आध्यात्मिक शक्ति से, और आध्यात्मिक शक्ति से ही जीवित कर दिया था, उसका मांस नहीं खाया था। और तुम करो रीस नकल, परमात्मा ने उनको बताया।
फिर भी उन्होंने कहा कि ये गाय काट दी हमने, क्या गऊ थी, पीट बेट पीट पेट में बच्चा था, माँ बेटों का चार टुकड़े हो गए। अब सिकंदर लोधी ने कहा कि अब बोल तू क्यों बैठा है चुप, कर जीवित नहीं तेरी गर्दन काटेंगे। परमात्मा खड़े हुए और कहा हम ही अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, और कह कबीर खालिक दनी हमरा नाम कबीर, मैं हूँ अल्लाह अकबर और हम ही पूरी सृष्टि के मालिक हैं, हम ही अलखला हैं कुतुब गोश और पीर, गरीबदास खालिक दनी मेरा नाम कबीर। दोनों माँ बेटे आगे एक थपकी उसका मारी एक बच्चे का, दोनों के शरीर जुड़कर जीवित हो गए और गाय के नीचे बच्चा लाकर दूध की बाल्टी भर दी कबीर परमात्मा ने। बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। तो पुणात्माओं ये परमात्मा है, मूर्ख मन व काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुर अपना साथी है। और बताएंगे सामने, बोलो सतगुरु देव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप चंद पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए यहाँ आश्रम में पहुंच पाए। पुण्यात्माओं सत्संग में आने से आप जी को ये जानकारी होगी कि सचमुच हम बहुत गलत स्थान पर रह रहे हैं। ये स्थान केवल यातना देने के लिए इस काल भगवान ने बना रखा है, जैसे कैद होती है, जेल होती है। तो यहाँ प्राणी को कैसे इस पृथ्वी लोक पर यह भेजता है और यहाँ परमात्मा की तरफ से कोई सुविधा नहीं है। यहाँ का जो भगवान है, यहाँ का जो स्वामी है, वो काल है, और जिसका नाम काल है तो उसमें रहम नहीं होता है, उसमें दया नाम की चीज नहीं होती जिसका नाम काल है। और ये गीता अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में स्वयं कह रहा है कि अर्जुन मैं काल हूं, और अब इन सभी सैनिकों का, सभी लोकों का नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। तो इससे अंडरस्टूड है कि यहां जो दुख हमें दे रखा है शायद ये कम ही हो, क्योंकि काल जो है वो केवल दुख ही दे सकता है, सुख नहीं दे सकता। इसी कारण से आप जी कहीं किसी काम बस जंगल में गए हैं, खेतों में कार्य कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, एकदम ओले गिरने लग जाते हैं, शर्म लगो, आंख फूटो चे टांग टूटो, भाग कर इधर उधर किसी वृक्ष या मकान की शरण ले लें तो जान बच सकती है, अन्यथा नहीं। कहीं पर फ्लड आ जाती है, लाखों व्यक्ति बह जाते हैं, मर जाते हैं, अन्य प्राणियों का तो कहना ही क्या, वो कितने कितने संख्या में मरते हैं बिलों में अन्य स्थानों पर। कहीं पर भूकंप आ जाता है, वहां पर भी कई हजारों लाखों की संख्या में प्राणी मनुष्य मानव समाप्त हो जाते हैं। आराम से लेट रहे हैं, भूकंप आया, पूरा इलाका नष्ट हो गया, हाहाकार मच गई, ये कोई स्थान है, ये कोई रहने के लायक है,
एक राजा है यहाँ का, राजा तो हम सुप्रीम पावर मानते हैं, मुख्यमंत्री हुआ, प्रधानमंत्री हुआ, और उसकी दुर्गति, एक सेकंड में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, उसके हड्डों का पता नहीं कहाँ गिरे जाके। तो यहाँ परमात्मा याद दिलाते हैं कि तुम इस गलत स्थान पर रह करके इस काल के द्वारा ये झूठे सुख को प्राप्त करके भूल गए हो उस पूर्ण परमात्मा को। हमें याद दिलाते हैं परमेश्वर, कबीर कहाँ गर्वियो ये काल गह करके से, ना बेरा का मारेगा के घर के परदेशो। परमात्मा कहते हैं ए भोले जीव, तू किस चीज पर अभिमान किए फिरता है, एक छोटी सी पोस्ट पा करके, एक छोटे से टुकड़े का मुखिया बनकर, राजा या मंत्री प्रधानमंत्री बनकर तू कहाँ रह रहा है। ये काल गह करकेश यानी तेरे बाल पकड़ेगा जब तेरी अंत समय आएगा, और वो अंत समय ना जाने कहाँ आ जाएगा, घर भी आ सकता है और परदेश में तू गया है वहां भी आ जाएगा, तो वहीं तुझे मार डालेगा, छोड़ेगा नहीं। कहाँ जन्मे का पाले पोसे खूब लड़ाए लाडे, ना जाने इस देह के है कहाँ खेंडेंगे आडे। पुण्यात्मा परमात्मा की ये वाणी आप जी ने हृदय में धारणी पड़ेगी, और इस गंदे लोक में यदि तुम थोड़ा बहुत सहारा भी चाहते हो, सुख भी चाहते हो, प्रोटेक्शन भी चाहते हो कि ऐसी आपदाएं ना आवे हमारे ऊपर, तो इस परमेश्वर कबीर जी की शरण ही ग्रहण आपने करनी पड़ेगी। यदि पूरा विश्व आज इस परमेश्वर की शरण में आ जावे, और ये दास जो नाम जाप और विधि और मर्यादा बता रहा है इसका पालन कर ले, पुनः फिर सतयुग जैसा माहौल शुरू हो जाएगा। सतयुग में क्या होता है कि बहुत लंबी आयु हो जाती है, क्योंकि अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, ये काल फिर अटैक नहीं कर सकता, और आपस में बहुत ही अच्छा प्रेम बनेगा, या लूट खसोट रिश्वत खोरी हाहाकार मची है, इस माया ने सबको अंधा बना दिया, ऐसे बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तक के ऊपर ये भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, शर्म की बात है, क्योंकि इंसान की जमीर खत्म होगी। क्यों होगी? क्योंकि तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है, भगवान के विधान से परिचित नहीं है, आध्यात्मिक कर्मों से परिचित नहीं है, इसी कारण से हम गलतियों पर गलती करते जाते हैं। एक माया के कारण ही भाई से भाई शत्रु बन जाता है, बहन भाई की शत्रु बन जाती है, भाई बहन का शत्रु बन जाता है, माता पिता की कदर रही नहीं, माया माया दिखाई देती, शर्म रही नहीं, लाज रही नहीं। पुण्यात्मा परमात्मा कबीर परमेश्वर जी की शरण में आने से आप जी ये सोच भी नहीं सकते, हे परमात्मा, हम पहले वही व्यवसाय था, वही हमारा जॉब था, वही नौकरी थी या कोई व्यवसाय था, और हम सारा दिन भटकते रहते थे, रात को भी नींद नहीं आती थी, और ओवर टाइम भी करते थे, फिर भी हमारा गुजारा ढंग से नहीं हो रहा था, और टेंशन ग्रस्त रहते थे। इस परमेश्वर की शरण में आने से, क्योंकि ये ज्ञान ऐसा हो जाएगा आपको, और फिर साथ भगवान का आपके साथ हो जाएगा, आपके सबसे पहले ये टेंशन समाप्त करेंगे, और आप ये सोच भी नहीं सकोगे हे भगवान, उसी पैसे में, उसी ही नौकरी में, तनख्वाह में आज हम बहुत अच्छी तरह
अपना गुजारा भी कर रहे हैं और दो पैसे हमारे पास भी रह रहे हैं। इसके एक कारण तो ये होगा कि आपका जो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू ये पैसा जो व्यर्थ होता था वो आपका सेविंग में आ जाएगा। दूसरा ये होगा कि आप डॉक्टरों के यहाँ जाते थे। पुण्यात्माओं, जब इंसान के पाप क्रम बढ़ जाते हैं, बताते हैं हमें आकर के कि जी थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ था, डॉक्टर के पास गए, सीटी स्कैन बोल दिया और उसमें जो है ना मस्तिष्क में कोई गांठ बता दी, ऑल इंडिया में भेज दिए, लाखों रुपये लग गए, सिर का ऑपरेशन हो गया और कुछ दिनों के बाद फिर जो की जो सती थी फिर होगी। एक गांठ निकाल दी तो गांठ तोड़ भी हो सके हैं, क्या फाइनल हो गया काम फिर इसमें। तो कहने का भाव ये है कि जब इस परमेश्वर की शरण में आप आ जाओगे, वही बीमारियां वही रोग जो लाखों रुपए में ठीक नहीं होते थे, आपके 10-20-50 रुपए की दवा में आराम होना शुरू हो जाएगा। बहाना करता है परमात्मा, थोड़ी बहुत औषधि भी लेता रहे और साथ में परमात्मा की भक्ति करे, फिर देखना कैसे होता। तो पुण्यात्माओं, ऐसे बहुत से भक्त आते हैं, वो बताते हैं कि पहले हमारे साल भर में कम से कम भी 20,000 रुपये का मेडिकल का खर्चा होता था डॉक्टरों का, और फिर वो बीड़ी बंडल वाले तो कहना है कि शराब वाला, और बीड़ी का हिसाब लावे तो भी आदमी प्रतिदिन 10-12 रुपए की बीड़ी, और सिगरेट पीने वाला तो मेरे ख्याल में 50-100 रुपए की जो ना पी जाता है, तो महीने का हिसाब लावे तो 2,500 रुपए ये खराब होते थे, ये बच जाते हैं। और फिर वो जो शराब पीता है उसका तो एस्टिमेटर नहीं लाया जा सकता, वो कितना नाश कर दे एक महीने में। तो परमात्मा की भक्ति में ये विकार नहीं चलते, ये आपने कंपलसरी त्यागने पड़ेंगे। यदि आप परमात्मा चाहते हो और सुख चाहते हो इस लोक में भी, और फिर आपके घर में बरकत दिखाएंगे, क्योंकि हम परमात्मा की महिमा से परिचित नहीं है, हम नियत खराब करके अपने में घने समझदार बनकर और क्लेवर बनकर भगवान के लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उपदेश लेने के बाद भी हम अपनी चतुरता नहीं त्यागते हैं, अपनी सोच से ही हम अपनी अटकलों से ही भगवान के विधान को भी रिजेक्ट करते रहते हैं, तो परमात्मा मदद नहीं करेगा। परमात्मा का नाम उपदेश लेने के बाद आपके अग्रम मगरम सब समाप्त हो जानी चाहिए, ब्लाइंड फेथ करना पड़ता है प्रभु पर, और भक्त हमेशा ही ब्लाइंड फेथ करते आए हैं परमात्मा पर, यानी पूर्ण विश्वास, जिसको अंधविश्वास कहें तो अच्छा नहीं लगेगा, पूर्ण विश्वास। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सत्संग। क्या नाम है आपका? नेहा। कहाँ के रहने वाले हैं आप? देहरादून सीमा द्वार से। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? जी 2012 में नाम दीक्षा ली थी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं कृष्ण जी की भक्ति करती थी, कान्हा जी की काफ़ी पूजा पाठ करती थी और बस उन्हीं की पूजा करती थी। उसके बाद करीब शादी के बाद से मैं काफ़ी भूत प्रेतों के चक्कर से परेशान थी, ऊपरी अला बलाएं मेरे ऊपर काफ़ी रहती थी, तो उन्हीं को मानती थी और इधर उधर जो पूजा पाठ करते हैं दिखाते हैं चावल वावल उनको दिखाने जाती थी, बस उतनी देर तक आराम रहता था जितनी देर मैं वहाँ पे हूँ, जितनी देर इलाज चल रहा है। करीब 5-6 साल तो मुझे इन चक्करों में हो गया था, मुझे बिल्कुल आराम नहीं मिला था, कभी मतलब अपने हाथ से खाना तक नहीं बना पाती थी, अपने हाथ से खाना बनाना तो दूर, खा नहीं पाती थी, उठना बैठना तक मेरा मुश्किल हो गया था, मेरे हाथ पैरों में इतना दर्द होता था मैं खड़ी नहीं हो पाती थी। संत रामपाल जी महाराज के बारे में आपको कैसे पता चला? इसी बीच में करीब
10 से 15 लोगों को मैं अपना आपको दिखा चुकी थी कि चावल ये वो जो जहाँ बताता था कि वहाँ चले जाओ वहाँ ठीक हो जाओगे, कईयों जगह गई हूँ। इसी बीच में एक अघोरी मेरे संपर्क में आए, उन्होंने मुझसे कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो भी अपनी तरफ से सारी मतलब प्रक्रिया कर चुके थे जो होती हैं ठीक करने के लिए, पर फिर भी मैं ठीक नहीं हुई थी उनसे। तो फाइनली फिर उन्होंने कहा कि तू शमशान काली की पूजा कर तो ठीक हो जाएगी, वो तेरे को ठीक कर देंगे। मैंने कहा ठीक है मैं कर लेती हूँ। तो उन्होंने शमशान काली की पूजा करने का बताया कि कैसे दीपक लगाना है क्या करना है। मैंने घर में ही पूजा करी उनकी, और पूजा करने के 10 मिनट बाद मेरे शरीर में मुझे लगा कि मैं ठीक हूँ। मेरा हाथ पैर जो है दर्द इतना होता था, दर्द में मुझे काफ़ी आराम था, मैं खड़ी हो गई थी अपने पैरों पे। मैंने कहा अगर कान्हा जी कितने टाइम पूजा करी है, मैंने मैं ठीक नहीं हुई, मैं शमशान काली की पूजा करूँगी, मैं अगर ठीक हो सकती हूँ तो। मैंने उनकी पूजा करनी शुरू करी। उनकी पूजा करने से क्या हुआ, मेरे घर में जो स्मेल होती है मुर्दे की जो भी, तो वो स्मेल घर में आनी शुरू हो गई। मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड और मेरे भैया जो है आदित्य दास, तो उन्होंने कहा कि तू पूजा मत कर, घर में बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो गई है, ये पूजा छोड़ दे। मैंने पूजा छोड़ दी, फिर मैं बिस्तर पे पहुंच गई। फिर इसी तरह से 1 महीना बीता, 1.5 महीना बीता, अब रो रो के अपनी ज़िंदगी बिता रही थी कि कैसे भी कैसे ठीक हो जाऊं। फिर मुझे दिमाग में आया, मैंने कहा छोड़ना, जब बदबू आनी है आने दे, लेकिन पूजा उन्हीं करनी, जिससे कम से कम अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाऊंगी। फिर से मैंने चुपचाप से बिना किसी को बताए दीपक लगा दिया माता रानी का, और बैठ के उनके आगे हाथ जोड़ के कि मुझे बस ठीक कर दो और जो भी है बस ख़त्म करो ये सारी चीज़ें। मैंने उनका दीपक लगाया। अगले दिन क्या हुआ पता नहीं, उन्होंने मेरे सपने में आकर कहा कि मैं तेरे साथ ही रहूँगी, तू मेरी पूजा कर और मैं तुझे बिल्कुल ठीक कर दूँगी। और करीब 6 महीने तक वो मेरे साथ रही, उन्होंने हर चीज़ मुझे बताई। वो सामने मुझे दिखती थी एक सिंपल औरत के रूप में, काली साड़ी में, मेरे घर में रहती थी। मैंने उनसे एक प्रार्थना करी कि माता रानी मेरे घर में आपके आने से बदबू हो जाती है, वो चीज़ ना हो, आप सौम्य रूप में मेरे साथ रहो। उन्होंने ऐसे ही करा, वो सौम्य रूप में मेरे साथ रहने लगी सिंपल औरत के रूप में। और 6 महीने तक करी मैंने उनकी पूजा करी। फाइनली अभी पिछले महीने शायद, हाँ जनवरी, जनवरी लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अब तुम मुझे मेरी पूजा छोड़ दे। मैंने कहा क्यों माता रानी? उन्होंने बोला कि अब तू मरने वाली है, 1 हफ्ते का टाइम है तेरे पास। मैंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? कह रही कि जितना मेरे से हो सकता था मैंने उतना तेरे रक्षा करी, लेकिन अब मेरे बस का नहीं है, अब तेरा टाइम जो है पूरा हो चुका है, अगर तुझे बचना है तो तू संत रामपाल जी महाराज की शरण में चली जा। मैंने कहा अब मैं आपको कैसे छोड़ूं, मेरा तो आपसे दिल लग चुका है। मैं काफ़ी रोई उनकी इस बात को सुनकर, क्योंकि एक माँ की तरह वो मेरे साथ रहती थी, रात को वो मुझे सुलाती थी। हालांकि इस बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा, लेकिन मेरी माँ से जितना प्यार मुझे नहीं मिला, इतना उन 6 महीनों में उन माता रानी ने मुझे वो प्यार दिया। लास्ट नाइट जब माता रानी ने बोला कि बेटा तू सुबह सुबह उठकर फटाफट तैयार होकर वहाँ चली जाना नामदान सेंटर, वहाँ तक मैं तेरे साथ जाऊँगी, उसके बाद मैं चली जाऊँगी वापस। तो उस रात जो लास्ट नाइट थी उनकी, तो उन्होंने मुझे करीब 3 साढ़े 3 घंटे अपनी गोद में सिर रख के उन्होंने मुझे सुलाया। और उस रात जो हुआ मेरे साथ वो अगर मैं बताती हूँ मैं आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रात को करीब 3.5 घंटे के बाद जब मैं थोड़ी थोड़ी सोने लग गई थी, तो एक काला काफ़ी लंबा चौड़ा आदमी मेरे पैरों के पास आके बैठा। पहले तो थोड़ा सा एहसास हुआ जैसे पैरों के पास कोई बैठा हुआ है, मैं माता रानी के कमरे में ही थी, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा हुआ है। पहले मैंने देखा तो कोई नहीं, दोबारा देखा तो वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, सिर्फ उसने पैंट जांघिया पहना हुआ था और पूरा काला था, आंखें उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी। मैंने जैसे ही उसकी तरफ देखा मैं थोड़ा सा डर गई, हालांकि इतना वो नहीं हुआ क्योंकि माता रानी के साथ रहते रहते काफ़ी थोड़ा सा वो हो गया था, मुझे डर अंदर से काफ़ी हद तक निकल गया था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लगा कि ये कौन है कि माता रानी के होते हुए भी यहाँ पर आ गया। तो उसने मेरे जो है पैर पकड़ लिया और मेरी आवाज़ बंद हो गई। तो मेरे दिमाग में आया कहीं ये यमदूत तो नहीं है कि माता रानी ने बोला था कि आज तेरी लास्ट नाइट है तो सुबह चले जाना। तो जब उसने मेरे पैर पकड़ लिए मेरी आवाज़ बंद हो गई और मैं माता रानी से प्रार्थना कर रही, इतनी बुद्धि मेरे में नहीं आई कि मैं परमात्मा का नाम ले लूँ, संत रामपाल जी का नाम ले लूँ जिससे मेरे पैर छूट जाए और ये चला जाए। माता रानी का ही नाम ले रही हूँ, वो नहीं आई और वो काफ़ी देर तक मेरे पैर पकड़े रहा और मैं पता नहीं किस तरह से छूटी, परमात्मा ने ही मेरी रक्षा करी उस टाइम पर कि उसने मेरे पैर छोड़ दिया और मैं भागकर दूसरे कमरे में गई जिसमें मेरे हस्बैंड सो रहे थे, उन्होंने पहले से नाम दीक्षा ली हुई है, उनको मैंने बुलाया, मैंने कहा जल्दी से आओ यहाँ पर कोई है।
तो उन्होंने जैसे ही वो कमरे में आया उन्होंने परमात्मा की वाणी बोलना शुरू करी, वो बंदा वहाँ से भाग गया, जो भी था मुझे मुझे नहीं पता। अगले दिन जब मैंने माता रानी से पूछा, मैंने कहा ये क्या था, तो उन्होंने बताया कि यमदूत था और ये तेरी लास्ट नाइट थी, तू बच गई, बहुत बड़ी बात है, तू फटाफट जा और नामदान लेके आ। फिर वापस जब यहाँ पर मैं आई तो 26 जनवरी 2018 को संत रामपाल जी महाराज से मैंने नाम दीक्षा ली नामदान सेंटर में, और उस दिन से आज की डेट है 8 फरवरी 2018, और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और परमात्मा की यूं ही दया रहेगी, मैं हमेशा यूं ही ठीक रहूंगी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही आपकी जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। उसके अलावा आज आपको 15 दिन ही हुए हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए हुए, तो क्या अन्य भी लाभ प्राप्त हुए इस नाम दीक्षा से आपको? लाभ तो जी कई सारे हैं, घर में कलेश रहता था, हर समय में चिड़चिड़ी रहती थी, वो चीज़ बिल्कुल ठीक हो गई, मैं बिल्कुल शांत हो गई हूँ, घर में भी कलेश खत्म हो गया है। मेरे हस्बैंड का काम नहीं चलता था, जब से उन्होंने नामदान लिया है बिल्कुल काम अच्छे से चलने लगा है, ट्यूशन खोला हुआ उन्होंने, ट्यूशन काफ़ी अच्छा चल रहा है उनका। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से आपको बहुत लाभ मिले, तो आप जन समुदाय को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है सर कि इस ब्रह्मांड में पता नहीं कितने नकली गुरु घूम रहे हैं, कितने नकली देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बोलते हैं, वो नकली गुरु हैं। आप पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में आइए, जिससे आप सबकी मुक्ति हो सके। पता नहीं कितने लोग परेशान हैं इन कष्टों, जिन कष्टों से मैं निकल के आई हूँ, मैं भी यही सोचती थी काश मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो जिससे मैं लोगों की परेशानी दूर कर सकूं, लेकिन परमात्मा जो कर सकते हैं वो कोई भी नहीं कर सकता। पूर्ण परमात्मा स्वयं भगवान इस धरती पर आए हुए हैं, आप उनकी शरण में आइए, हर कष्ट दूर होगा, हर परेशानी दूर होगी। आपने कहा कि जब माता रानी की शरण में थी तो माता रानी ने आपको कुछ दिन के लिए राहत दी, लेकिन जब आपकी मौत आई तो माता रानी ने आपके सिर से हाथ हटा लिया और उन्होंने ही आपको खुद कहा कि अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं, वहां ही आपको जीवन दान मिल सकता है। लेकिन बहुत सी दुनिया है जो आज भी माता रानी पर आधारित है, माता रानी की भक्ति करती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको माता रानी की भक्ति करते रहना चाहिए या नहीं? संत रामपाल जी महाराज वेदों के मुताबिक ही भक्ति देते हैं, और वेदों में लिखा है कि जो तत्वदर्शी संत की शरण में होता है उसकी जान जो है तब तक नहीं जाती जब तक वो मतलब उसकी भक्ति पूरी ना हो जाए, वो इस संसार से सारी चीजें पूरी ना कर ले। जैसे उसका कोई काम रह रहा है, बच्चे छोटे हैं, और काल लोक की जो पूजा करता है वो कब निकल जाएगा पता नहीं चलता, काल कब उसको उठा लेगा पता नहीं चलता। लेकिन परमात्मा की शरण में, संत रामपाल जी की शरण में जो रहता है उसकी भक्ति जब तक पूरी नहीं जाती, सारे काम पूरे नहीं जाते, तब तक परमात्मा उसको जाने नहीं देते, उसको अपने साथ लेके जाते हैं, सतलोक लेके जाते हैं। संत रामपाल जी महाराज ही तत्वदर्शी संत हैं, और अकेली मैं ही नहीं हूँ जिनको जीवन दान मिला है, कई सारे ऐसे भक्त मिल जाएंगे जिनको जीवन दान मिला है, जिसको जिनकी वो भक्ति करते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश हो या कोई माता हो कोई देवी हो, जो उनके साथ परेशानियाँ हुई, जो परेशानियाँ वो दूर नहीं कर पाए वो संत रामपाल जी महाराज दूर कर सकते हैं, और दूर करी है उन्होंने। संत रामपाल जी महाराज ने ही मुझे जीवन दान दिया है, जो कि माता रानी के बस में नहीं था, उन्होंने ही मुझे यहाँ पर भेजा। संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण परमात्मा कबीर साहब का अवतार है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए क्या करना होगा? जी टीवी पर जो चैनल आते हैं इन पे परमात्मा की वाणी चलती है शाम के टाइम, उस पे नीचे काफी सारे नंबर्स होते हैं, उस पे कॉल करके आप नामदान सेंटर का एड्रेस ले सकते हैं, और एड्रेस पे जाके आप नामदान ले सकते हैं। काफी चीजें हैं, ज्ञान गंगा की पुस्तकों का जो बांटते हैं, पुस्तक बांटते हैं, उसमें भी नंबर्स हैं काफी, उसमें जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने अभी कुछ दिन पहले ही ली, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं। हालांकि माता रानी ने आपको बता दिया था कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाएं और आपको जीवन दान भी आपको ऐसा लगता है कि संत रामपाल जी महाराज ने ही दिया, तो संत रामपाल जी महाराज फिर खुद जेल में क्यों हैं? जिन कान्हा जी की मैं पूजा करती थी, इतनी भक्ति करती थी, वो तो स्वयं जेल में ही पैदा हुए थे, उससे क्या फर्क पड़ता है कि परमात्मा जेल में है, संत रामपाल जी जेल में, पर महापुरुष हैं, वो तो लीलाएं तो करेंगे ही। अब ये तो हम अज्ञानियों की बातें हैं कि हम कहते हैं कि भाई वो जेल में नहीं है, वो हर जगह है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।